जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीना शरीफ में मौजूद हूँ, पीछे आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी जुमे की नमाज़ अदा की है, तो एक मेरे को इधर नमाजी मिले हैं पाकिस्तानी, मेरे साथ खड़े हुए। जब उन लोगों उन्होंने इधर आए हैं तो मेरे को तो जुमे की नमाज़ के बाद इधर आए मेरे साथ, उन लोगों ने सुनते पढ़नी शुरू की ना, तो मैंने उसी टाइम उन पर नज़र डाली है। गालबन उनके उम्र भी पूछते हैं और आपको मैं दिखाता भी हूँ कैसी उनकी कंडीशन है और क्या उम्र है, क्या सूरत हाल है। और एक बात मुझको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना इनकी, वो यही है कि इन्होंने सुनते अदा किए पूरी। जैसे भी जुमे के बाद से मेरे को मिले हैं, चार सुनते पढ़ी हैं, फिर दो सुनते पढ़ी हैं, फिर दो नफल पढ़े हैं, पूरी नमाज पढ़ी है। ऐसे मैं इधर बैठा इनका इंतज़ार करता रहूँ, जब ये नमाज से फारग हो जाए फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको इनकी गुफ्तगू अभी सुनाता हूँ, इनसे बातचीत करते हैं। उम्र कितनी है और क्या हिसाब है पाकिस्तान की तरफ से? हाँ जी बुजुर्गो जी, ये बाबा जी हैं, बैठो बैठो। पाकिस्तान, पाकिस्तान किधर से? कराची। कराची, कराची से माशाल्लाह। इनकी आपकी उम्र कितनी है? 73 साल। 73 साल, 73 ईयर इनकी ओल्ड उम्र है जी, आप देख लें। तो माशाल्लाह अभी जब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो भी आप मैं दरमियान में दिखा देता हूँ, आप वो वीडियो देखें। इनकी भी पूरी तरह खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन लोग इन्होंने पूरी नमाज़ पढ़ी है खड़े होकर, बिल्कुल किसी चेयर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो माशाल्लाह कराची से आप, 73 साल उम्र है, इधर उम्रे के लिए आए हुए हैं? यही उम्रे के लिए। तो कितने दिन हो गए हैं? आज छोड़ना है मदीना। हाँ नहीं नहीं, आए कितने दिन हो गए हैं? आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए हैं, 5 दिन वहाँ गुजारे मक्का में। मक्का में हाँ दिन हो गए, आज रवाना हो गए। 5 दिन मक्का में जी, तो इधर कितने दिन हो गए? 10 दिन इधर हो गए माशाल्लाह। अभी मक्का जाएंगे? मक्का जाएंगे। मक्का से फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कराची किधर के हैं? कराची शू मार्केट का इलाका, आपने सुना होगा कभी? शू मार्केट गार्डन से आगे है, एक गार्डन से आगे शू मार्ट का इलाका, ठीक है। तो माशाल्लाह अभी बेगम आपकी हयात है? हयात है माशाल्लाह। बच्चा भी है मेरा। बेगम किधर है? वो रूम पे अभी। अच्छा, उनके पैरों में तकलीफ है, उनके पैरों में तकलीफ है, वो रूम पर है। अच्छा, बेगम इनकी रूम पर है। तो बच्चा इनका इधर है अंदर, वो अभी आएगा, ये उनके साथ जाएंगे होटल में। तो कौन से होटल में ठहरे हुए हैं ये? हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, वो आपके बेटे को मालूम होगा। हाँ। तो हाजी, आपको पता है हाजी इतराज जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको ज़्यादातर होटलों के नाम मालूम नहीं होते हैं। तो साथ कोई ना कोई होता है, मदीना शरीफ आप देख लें, ये मदीना शरीफ के बिल्कुल गुंबद के साथ हम बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी। नहीं 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 नहीं, आपकी मेहरबानी है। तो मेरी क्या मेहरबानी है, अगर मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत हो तो बोलें। दुआओं की दरख्वास्त है? नहीं नहीं, दुआएं आप करें हमारे लिए बस। मैं तो करता ही रहता हूं इंशाल्लाह। तो और सब ठीक ठाक है? खाना खिलाऊं आपको? खाना तैयार है वहाँ। अच्छा, काम से कहीं जा रहा है तो मैं उससे मतलब ये कह देता हूँ कि भाई जल्दी आ जाए। हाँ हाँ, ये मोबाइल के मतलब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो काफ़ी गुफ्तगू इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी मुझको लग रही है। तो सुनते हैं, चलो मैं तो गपशप लगाता हूँ 5-10 मिनट इनके साथ। आपने देख लिया इनकी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तबीयत है इनकी और बहुत ही खूबसूरत आदमी है। तो मदीना शरीफ में अभी भी मौजूद हैं हम, तो इनकी बातें मुझको बहुत अच्छी लगी हैं। खासकर जो इनकी सबसे अच्छी बात है ना, वो यही है कि इनकी उम्र देख लें, सीधा खड़ा नहीं हो जाता पूरे से, और लेकिन नमाज बिल्कुल पूरी अदा की है और बिल्कुल अच्छे से अदा की है। अभी मेरे को बोल रहे थे कि 2 नफल शुक्राने के मैं अदा करूँगा, तो तुम भी अदा करो, वो हम लोगों ने अदा किया है। उनका बेटा आ गया था अभी, माशाल्लाह बेटा उनका जवान है, तो वो उनके साथ चले गए हैं अभी वापस। मैंने बहुत इसरार किया खाने के लिए, लेकिन बोलते हैं नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा।